गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग बोलू, गुड आफ्टरनून बोलू, एकदम 12 बजे लेक्चर हो रहा है. सो आप लोग मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो, बट मैं इंट्रोड्यूस करूंगी आप लोगों को. मैं सीए प्रीति. सो मैं कौन हूँ? मैं एक्चुअली आप लोगों को, आपको एसपी एंड ओसीएम, आपको थेरी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली टीचर हूँ, ये तो समझ गया. सो अब मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं. तो मैंने अपना सीए कोर्स कंप्लीट किया है, कॉमर्स लेके सीए कोर्स कंप्लीट किया है. 2-3 साल मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सेक्टर्स के में जॉब किया है. एंड नाउ आई एम इन अ टीचिंग प्रोफेशन एंड साइड बाय साइड मैं अपना खुद का प्रैक्टिसिंग भी कर रही हूँ. सो ये जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आपकी टीचर क्या करती है, क्या बैकग्राउंड से आई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो मैं किसी भी लेक्चर में मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. सो अगर किसी को इसमें किसी को डाउट रहेगा, इसमें तो आई थिंक सो कोई डाउट नहीं है, ये मेरा ही फैक्ट है, मैंने क्या किया है ना. सो आज हमको पढ़ना है एसपी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ठीक है. सो आपको सर ने पूरा बैकग्राउंड बता दिया होगा. आप जैसे कि 11th में, अगर मैं आपको, जहां तक मेरा नॉलेज है, 11th जो आपके लिए है वो एकदम ही नए सब्जेक्ट के साथ आया है, अगर आपने कॉमर्स खासकर सेलेक्ट किया है तो. क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, तो साइंस में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने ऑलरेडी रीड कर चुका है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑलरेडी हमको 10th से पहले था ये, हम वी नो कि क्या है वो. एंड आर्ट्स रही तो हमने ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये सारे, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट भी मतलब हमको पता है ना. बट रही कॉमर्स की बात, तो कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट रहते हैं वो, आपको मैं बोल दूं सबसे पहले, बिकॉज आई एम ऑल्सो, मेरा भी बैकग्राउंड कॉमर्स का है, तो जो कॉमर्स वाले बच्चे रहते हैं ना, वो असली खतरों के खिलाड़ी रहते हैं. क्यों? तो सबसे पहला तो आपको ध्यान में आ ही गया होगा कि आपने जब 11th कॉमर्स सेलेक्ट किया तो नए नए सब्जेक्ट आपके पास आते हैं, अकाउंट्स जो आपने कभी भी सुना नहीं हो, इकोनॉमिक्स कई किसी ने सुना होगा, बट इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते ही 11th से हैं, एसपी, ओसीएम, हमने ये सारे के सारे सब्जेक्ट कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं सुने हैं, जो आप पहली बार 11th कॉमर्स में सुनते हो. तो अपने आप को एक है ना, हैट्स ऑफ कर दो कि आप लोगों ने सबसे बढ़िया फील्ड चुना है कॉमर्स का. क्योंकि आप अगर कॉमर्स करके अपनी जिंदगी सेटल करते हो, तो आप एक ऐसे इंसानों की जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो. आप अभी मानोगे या नहीं मानोगे मुझे पता नहीं, बट मेरा, मैं खुद का एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पास अभी कॉमर्स करके मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है. देखो, मैंने सीए कर रखा है, तो मैं जॉब करना चाहूँ तो मेरे पास वो भी आज ऑप्शन है. मैं खुद का प्रैक्टिस करना चाहूँ, कर रही हूँ इनफैक्ट, खुद का प्रैक्टिस करना चाहूँ वो भी मेरे पास ऑप्शन है. मैं टीचिंग करना चाहूँ वो भी मेरे पास ऑप्शन है. तो कॉमर्स कभी ऐसा आपको लगेगा कि यार मैम हमने कॉमर्स सेलेक्ट किया, हमारे फ्रेंड्स ने सबने साइंस सेलेक्ट किया, तो साइंस करने वाले क्या बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं क्या, वही लोग जिनके 80% से ज़्यादा आते हैं वही साइंस सेलेक्ट करते हैं, बाकी के सब गधे बच्चे रहते हैं इसलिए कॉमर्स. ऐसा नहीं है. इट्स डिपेंड ऑन योर फील्ड, मतलब आपके इंटरेस्ट पे ये डिपेंड है. तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत मानना कि कॉमर्स सेलेक्ट वाले. मैं मेरा बैकग्राउंड बोलूं तो मेरे फैमिली में आज तक किसी ने कॉमर्स को जाना भी नहीं था, आज तक किसी को कॉमर्स क्या होता है ये पता भी नहीं था. बट मैंने थोड़ा सा अवेयरनेस किया कि हाँ, एक कॉमर्स जैसा एक फील्ड होता है. कॉमर्स में आगे हम बहुत अच्छे अच्छे डिग्री ले सकते हैं, जैसे कि सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉमर्स सेलेक्ट करने वाला बच्चा सिर्फ 60% या 80% से कम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना. अगर आपने आज ही से बोल दिया ना कि नहीं मेरा ये फील्ड है, मेरा ये इंटरेस्ट है, तो आपको, आपके अंदर डाउट रहेगा ना, आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस रहेगा ना, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, उससे बाहर निकलो. मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज 11th सेलेक्ट करते समय हमको बहुत सारे कॉल आते कि सर हमने साइंस सेलेक्ट करना चाहिए या कॉमर्स सेलेक्ट करना चाहिए. सबसे पहले तो इट्स ऑन योर इंटरेस्ट.
तो इंटरेस्ट की बात में भी बात ऐसी आती है कि यार मैम हम कॉमर्स सेलेक्ट करके क्या करेंगे, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो हमको कुछ पता नहीं है। तो मेरे मॉम डैड मेरे फैमिली वालों को भी कुछ पता नहीं था। आपका इंटरेस्ट है ना, आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको साइंस में तो इंटरेस्ट नहीं है तो बेटर गो फॉर अ कॉमर्स, ठीक है। आपको कॉमर्स जो है बहुत ही ज्यादा स्कोप देता है सीए के लिए, सीएस के लिए, सीएम में तो ऐसी डिग्री है जो आपको रिस्पेक्ट विद मनी भी देता है, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट इतनी, जैसे यूपीएससी वालों को देते हैं ना, यूपीएससी क्लियर होते हैं उसके बाद कैसे उनका रिस्पेक्ट होता है, आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनका रिस्पेक्ट, वैसे ही सीए क्लियर होने के बाद या सीएस या सीएमए क्लियर होने के बाद आपको पूछा जाता है। सो है रिस्पेक्ट विद मनी भी आपको मिलता है। तो कोई भी टेंशन मत लो, अभी भी कुछ बच्चे टेंशन में है कि हम कॉमर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये राइट डिसीजन है, कि यस आपका ये एकदम राइट डिसीजन है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए, बार बार मेरा इसी पे फोकस है। ओके, ये बात आई। नाउ कमिंग टू माय सब्जेक्ट, दैट इज टुडे वाला सब्जेक्ट, ओसीएम भी मैं पढ़ाती हूँ आपको, ओसीएम भी मैं ही पढ़ाऊंगी, बट आज हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मेन सब्जेक्ट है जो हमको पढ़ना है। तो आपको ऑलरेडी सर ने बताया हुआ है हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्यों पढ़ते हैं। एनीवन फ्रॉम अस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हम क्यों पढ़ते हैं, एनी आइडिया? सर ने शायद बताया आपको, मतलब मैंने भी सुना था, तो कुछ आइडिया? नो नो, देखो आपको सर ने कुछ ऐसा बताया होगा, नहीं बताया होगा, आई डोंट नो, बट मैं आपको बताती हूँ हम सेक्रेटरियल, क्योंकि ये आपके लिए नया है, मेरे को इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको बेसिक से स्टार्ट ले जाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे अच्छा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट क्या है, हमको करना क्या है इसमें, राइट। तो हमको इनिशियली इनिशियल एकदम बोलते हैं ना, एकदम बेस से भी बेस में जाना पड़ेगा। हमारा यही एक काम होता है, देखो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है ऐसी, आपको मैं एक सिंपल सी चीज बोल देती हूँ, अगर आपका बेस क्लियर नहीं रहा ना, तो आप उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बना दो, कितनी भी मजबूत बिल्डिंग बना दो, वो एट लास्ट क्या होनी है, गिरनी है ना, गिरनी है ना, वो गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आपने आपने देखा होगा ना कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे, कि अगर उसका बेस फाउंडेशन अगर नीचे में उसका स्टील या जो सीमेंट बोलते हैं वो उतना मजबूत नहीं रहा, वो उतना कड़क नहीं रहा, तो वो क्या होती है, आप ऊपर कितना भी डिजाइनिंग कर दो, कितना भी हैवी स्टील यूज कर दो, कितना भी सीमेंट यूज कर दो, लेकिन वो एट लास्ट गिरता ही गिरता है। तो आप आज से याद करना, ये ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप फाउंडेशन आपका क्लियर कर देते हो, आपका बेस क्लियर कर देते हो ना, तो आप उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग बांध सकते हो, कितनी भी 100 माले की भी बिल्डिंग बांध सकते हो, बस ध्यान यही देना है कि आपका बेस क्लियर हो। इसीलिए मैं आपको आज बेस से ही लेके जाऊंगी कि हम एक्चुअली सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स में क्यों आया, कहां से आया, क्यों जरूरत पड़ी कि ये कॉमर्स के सब्जेक्ट में आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया है तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है आप खुद का क्या कर सकते हो, खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो, यस और नो, खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो। फिर दूसरा, आप खुद का बिजनेस ना ओपन करके आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी मैंने आपको बोला कौन कौन से आते हैं, सीए आते हैं, सीएस आता है और सीएमए आता है, ठीक है। ये तीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो कॉमर्स में फेमस है और जो आप कर सकते हो। नाउ थर्ड वन इज, आप ये दोनों छोड़ के आप एक नॉर्मल सा जॉब पकड़ सकते हो, यू कैन से अकाउंटेंट का, ठीक है, जो अकाउंटिंग एंट्री करते करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सा बहुत सिंपल सा जॉब होता है, क्लर्क, जिसमें आप जर्नल एंट्री वगैरह पास करते हो किसी के लिए, ओके, किसी कंपनी के लिए। एंड लास्ट, आप किसी बैंक या अदर, मैं इसमें अदर लिख देती हूँ, बैंक में आप जा सकते हो, है ना, बैंक में एज अ क्लर्क या मैनेजर करके आप अपॉइंट हो सकते हो। तो कॉमर्स सेलेक्ट करके आपके पास ये चार ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्या पढ़ा रही हूं आपको, आपने हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्यों पढ़ने वाले हैं कॉमर्स में। तो जहां तक मेरा नॉलेज है, ये चारों के चारों चीजों में आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का नॉलेज लगेगा ही लगेगा। देखो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में अगर आपने इंडेक्स थोड़ा बहुत ध्यान से देखा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत अपने बुक का, आपके पास बुक है कि नहीं है, आई होप अभी तक ये है ना,
क्योंकि अभी तक लोग ऐसे कि ले कि नहीं ले, अभी स्ट्रीम चेंज कर देंगे, तो आई होप आप लोगों ने बुक देखा होगा, लिया होगा, है ना। तो अगर आपने सेक्रेटरी प्रैक्टिस का इंडेक्स देखा होगा तो थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा कि मैम हम इधर क्या कर रहे हैं। हम इधर कुछ कंपनीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कुछ तो कंपनी 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 करके हमको इधर कंपनी कंपनी करके आ रहा है। मतलब कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस क्या है, समथिंग आपको कंपनी का इन डेप्थ नॉलेज देना चाहता है, ठीक है। क्यों देना चाहता है वो बाद में, ठीक है। सो कंपनी का आपको इधर इन डेप्थ नॉलेज होने वाला है। तो देखो अभी मैं कहाँ पे थी, तो मैं आपको बता रही थी समथिंग कि आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हो। जब आप खुद का बिजनेस चालू करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या आपको कंपनी की नॉलेज लगेगी कि नहीं लगेगी। जब आप खुद का बिजनेस ओपन करोगे तो क्या आपको गवर्नमेंट के कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, कुछ रिटर्न्स भरने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ही जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको दुनिया भर का नॉलेज होना चाहिए, तो कंपनी का तो नॉलेज होना ही चाहिए। आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो, अकाउंट्स में करते हो कि नहीं करते हो, तो अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग एंट्री होता है उसका रूल आता कहां से है, वो कंपनीज एक्ट देता है आपको, ठीक है, कि कंपनी का अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिक जो रूल्स आते हैं आपको कंपनी के लिए करना पड़ता है। अकाउंटिंग आप किसके लिए कर रहे हो, कंपनी के लिए करोगे, तो आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, यस और नो। ऑफ कोर्स होना चाहिए। सीए सीएस सीएमए एक ऐसा फील्ड है कि अगर आपने कंपनी एक्ट नहीं पढ़ा, मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको लेटर ऑन पता चलेगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मस्ट कंपनी का नॉलेज जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज जॉब करोगे, कुछ भी नहीं किया, ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं की आपने, ओन बिजनेस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने जॉब एज अ क्लर्क या एज अ अकाउंटेंट। तो आप क्लर्क या अकाउंटेंट कहां पे बनते हो, कंपनी ही आपको लेती है एज अ जॉब, कंपनी आपको जॉब देती है और कहाँ देती है। तो कंपनी में भी जब आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट एंड क्लर्क जैसे भी अपॉइंट होते हो, तो इधर भी आपको कंपनी का नॉलेज चाहिए होता है। एंड अदर आप बैंक या अदर फील्ड, कोई भी फील्ड में जाओ, ठीक है, कोई भी फील्ड में जाओ, तो इधर भी आपको कंपनी का नॉलेज मस्ट है। आप हर जगह किसी भी फील्ड, मतलब इस कोई भी चीज सेलेक्ट कर दो, आपको बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग कंपनी जरूरी है। ओके, ऐसा है क्या आज जो कंपनी चला रहा है, ऐसा आप लोग बोलोगे मैम हमको इतना जरूरी है क्या कंपनी का नॉलेज होना। देखो आज जो कंपनी चला रहा है, क्या उसको जरूर कंपनी के बारे में सारा नॉलेज होगा। एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आज आज जैसे अगर मेरे को खुद का बिजनेस ओपन करना है, तो क्या मुझे एमबीए करना जरूरी है क्या आज के टाइम पे, ऐसा क्या मस्ट किया हुआ है कि किधर नहीं किया हुआ है। एक अनपढ़, मतलब कि आप बोल सकते हो एक फिफ्थ पास इंसान भी अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकता है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको कोई इतना कंपनी का नॉलेज रहेगा ही रहेगा, जरूरी नहीं है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, कंपनी का नॉलेज अगर आपके पास रहेगा, खुद का बिजनेस आप चालू कर रहे हो, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन खुद का आप बिजनेस ओपन करो एंड फॉर से आपके पास कंपनी का नॉलेज नहीं है, तो क्या करोगे, तो क्या होगा, क्या आप बिजनेस ओपन नहीं कर पाओगे। ऐसा थोड़ी ही है, आप जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो ना सेक्रेटरी, वो आप उसी के बारे में पढ़ रहे हो कि अगर आपके पास कंपनी का नॉलेज नहीं है, तो आप किसको अपॉइंट कर सकते हो जिसके वजह से ये जो आपके अंदर डेफिशिएंसी है वो निकाल दे। क्लियर। देखो अभी मैं फिर से रिपीट करती हूं जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है। आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया, आप खुद का बिजनेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब या बैंक में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजों में तो आपको आपको कंपनी का नॉलेज देगा ही देगा, मतलब आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ये सारी चीजें मैं बिना कंपनी के नॉलेज के बिना जा सकता हूं। इसके लिए आपको एसपी पढ़ना जरूरी ही जरूरी है, ऐसा बोल रही हूं। बट खुद का बिजनेस आज के तारीख में यार फिफ्थ पास भी चला रहा है और अच्छा खासा ग्रेजुएटेड इंसान भी चला रहा है, मतलब क्या उसके पास एमबीए की डिग्री है, क्या उसके पास मस्ट ये कंपनी का नॉलेज है, ऐसा थोड़ी है।
नहीं है तो ऑप्शन क्या है, इसी में बोला हुआ है, इस फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सेक्रेटरी प्रैक्टिस यही चीज बोला हुआ है कि आप किसको अपॉइंट कर सकते हो, एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हो। ये सेक्रेटरी होता कौन है, तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको यही चीज बताया हुआ है कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ आपको काम देगा। जैसे आप लोगों ने सेक्रेटरी कहाँ पे सुना होगा, देखो बिग सेलिब्रिटीज को देखा है क्या आपने, हाई फाई सेलिब्रिटीज को, क्या वो अपना सेक्रेटरी रखते हैं क्या, पर्सनल असिस्टेंट जिसको मैं बोलती हूँ, यस और नो, वो अपना पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं, किन कामों के लिए रखते हैं, जैसे कि वो फॉर एग्जाम्पल बहुत बिजी पर्सनालिटी होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो फोन कॉल्स उठाते रहे, वो किसी को रिप्लाई देते बैठे, तो वो डायरेक्टली क्या करते, सेक्रेटरी को वो काम दे देते। तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में हम इनिशियली पढ़ेंगे और लेटर ऑन हम सेक्रेटरी इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनली पढ़ेंगे कि एक सेक्रेटरी ऐसा भी होता है जो सीए के मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुर्सियों पे बैठता है। सिर्फ सेक्रेटरी ऐसा नहीं, सिर्फ आपका बैग या फोन कॉल या ये संभालने के लिए होते, कुछ सेक्रेटरी आज के टाइम पे ऐसे लोग भी होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की कुर्सी पे बैठते हैं, मतलब कंपनी के लिए सारा डिसीजन, कंपनी के लिए मेजर काम करते हैं। और वो कौन होते हैं, ICSI के मेंबर होते हैं, मतलब कि CS होते हैं। शायद याद होगा आपको, मैंने दिखाया था अभी, स्क्रीन दिखाया था मैंने, तो ये जो CS है ना, ये भी एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, इसका फुल फॉर्म ही कंपनी सेक्रेटरी है, बट वैसे वाले सेक्रेटरी नहीं होते जो फोन कॉल्स वगैरह उठाने का, लेटर लिखने का, ईमेल लिखने का काम, नॉर्मल, ये बहुत ऊंची ऊंची पोजीशन वाले लोग होते हैं जिसको हम कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। इनिशियली तो हम सेक्रेटरी मतलब समझेंगे कि सेक्रेटरी आया कहाँ से, क्यों जरूरत पड़ा, एंड फिर धीरे धीरे हम कंपनी सेक्रेटरी पे आएंगे कि कंपनी सेक्रेटरी आज क्यों किसी कंपनी में इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अभी समझा क्या आप क्यों सेक्रेटरी प्रैक्टिस पढ़ रहे हो, तो आपको हर एक फील्ड में कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। कंपनी का नॉलेज कौन से सब्जेक्ट में से आएगा, इस सेक्रेटरी प्रैक्टिस के सब्जेक्ट में से आएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद का सेक्रेटरी, अगर आप खुद का बिजनेस ओपन करना चाहो, तो अगर आपके पास कंपनी का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप खुद का सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हो, और उस कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के बारे में नॉलेज क्या, उसके बारे में तो उसकी पूरी समुद्र पता रहता है। कंपनी सेक्रेटरी एक्चुअली अपनी जिंदगी में वही पढ़ता रहता है, मतलब कंपनी क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, तो ये पूरा का पूरा कंपनी सेक्रेटरी का हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे इन शॉर्ट। तो अगर किसी के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि मैम कि हमने मैथ सेलेक्ट करना चाहिए या सेक्रेटरी प्रैक्टिस सेलेक्ट करना चाहिए, है ना, आपके कॉलेज में होगा ना ऑप्शन, है ना, मैथ्स या सेक्रेटरी प्रैक्टिस, तो बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैम मैथ्स या सेक्रेटरी प्रैक्टिस हमको थोड़ा क्लियर बता दो। तो देखो दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों सब्जेक्ट में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। अगर आप सीए सीएस सीएम में करना चाहो तो गो फॉर एसपी एसपी क्यू, क्योंकि मैंने अभी बोला सीए सीएस सीएमए में आपको कंपनी का इन डेप्थ नॉलेज पढ़ाया जाता है, और सेक्रेटरी प्रैक्टिस में वही सारी चीजें आपको उधर मिलेंगी, थोड़ा बहुत ब्रीफ में, आगे जाके आप जो डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो अगर आपको फ्यूचर में ये सारी चीजें करना है, तो गो फॉर एसपी, क्योंकि एसपी से सारी जो भी सारी चीजें हैं वो आगे आपको डिटेल में है। मैथ्स क्यों नहीं सेलेक्ट करें, तो मैं मेरा ओपिनियन देती हूँ, सीए सीएस सीएमए में मैथ्स भी है, बट ओनली एट अ फाउंडेशन लेवल, मतलब वो पहला वाला एग्जाम होता है ना, उसी लेवल पे वो मैथ्स आता है और खत्म हो जाता है, आगे कहीं भी आप मैथ्स का नाम भी नहीं सुनते हो, ना ही इंटरमीडिएट लेवल पे, ना ही प्रोफेशनल दैट इज फाइनल लेवल पे, आप कहीं भी उसका, सिर्फ आपको एक जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स लगता है, बाकी आप कहीं भी मैथ्स का मतलब मैथ्स का यूज नहीं होता है, ठीक है, IQ लेवल बढ़ाने के अलावा आगे मैथ्स का कहीं यूज नहीं है।
तो मेरा ओपिनियन है, देखो हर एक टीचर का ओपिनियन डिफर कर सकता है, तो मैं इधर डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि इफ यू वांट टू गो फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन कॉमर्स देन सेलेक्ट एसपी, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट मैथ्स ऑल्सो, नो इश्यूज। ओके नाउ अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने इंडेक्स देखा था कि इंडेक्स आपको क्या बता रहा है कि इधर हम सबसे पहला सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही वो इंसान है जिसके जिसको ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज होता है, ठीक है। सो और आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो कंपनी क्या है, फॉर्म कैसे होती है, उसके डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, मेंबर कौन होते हैं कंपनी के, फिर डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन कौन होते हैं, कंपनी मीटिंग, कंपनीज मीटिंग टू एंड सो ऑन, कंपनी के बारे में पूरा इधर समुद्र है जो हमको पढ़ना है। सो आगे बढ़ते हैं ऑन चैप्टर। तो इसके लिए मैंने खास आपके लिए पीपीटी बनाई हुई है, ठीक है, जिससे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। ओके सो इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का है, तो उन्होंने बोला है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक कंपनी में फाइनेंस को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर एक इंसान अलोकेटेड है, कि फाइनेंस जो हैंडल करेगा वो कौन करेगा, फाइनेंस मैनेजर करेगा। परचेज कौन हैंडल करेगा, परचेज मैनेजर हैंडल करेगा। प्रोडक्शन कौन हैंडल करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर। तो जब स्पेशलाइज चीज हैंडल करने के लिए कंपनी में ऐसे लोग अलोकेटेड है, तो क्यों ये जो सेक्रेटरी का जो काम होता है उसके लिए क्यों नहीं हम एक प्रॉपर पर्सन रख रहे हैं। तो उसके वजह से सेक्रेटरी का रोल, सेक्रेटरी का ओरिजिन हुआ, मतलब जन्म हुआ, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता था कि जब आप और मेरे जैसे लोग बिजनेस करना स्टार्ट करते थे, तो हम बिजनेस को छोड़ के बाकी सारे चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि अब मेरे को प्रोडक्शन वगैरह ये सब चीजों पे ज्यादा देखना पड़ेगा, बट मेरे को कंप्लायंसेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट के रिटर्न कब भरने हैं, क्या कौन सा डॉक्यूमेंट भरना है गवर्नमेंट को, किस टाइम पे टैक्स भरना है, यार ये सब तामझाम नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस को, मेरे को जैसे आप लोगों का खुद का बिजनेस भी होगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमको ज्यादा सेल्स पे एम्फोसाइज करना पड़ता है, हमको सेल परचेज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। बट ये जो सेकेंडरी चीज होती है ना, तो उसी चीज के लिए जो मोस्टली जो कंपनी रखती है वो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है उस चीज के लिए, क्योंकि वो उस चीज में माहिर होते हैं। जैसे आप अदर चीजों के लिए माहिर लोगों को अपॉइंट करते हो, तो व्हाई नॉट फॉर दिस दैट थिंग, है ना, रिटर्न भरने के लिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में यही बोला, फाइनेंस इज नीडेड टू स्टैब्लिश अ बिजनेस रन, टू मॉडर्नाइज इट, एक्सपैंड इट, डाइवर्सिफाई इट। द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बिकम इंपॉर्टेंट टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जैसे कि फाइनेंस मैनेजर का आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंस हो गया कि आपको एक प्रॉपर फाइनेंस हैंडल करने वाला पर्सन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फाइनेंस हमारे लिए एक खजाना है। अगर उसको हमने वेस्ट करके यूज किया तो हमारी कंपनी टिक नहीं पाएगी। तो जैसे आपको फाइनेंस मैनेजर इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही अदर एक्सपर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपर्ट इंडिविजुअल हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटी एंड नॉलेज टू ग्रो बिजनेस हैव नाउ बिकम इंपॉर्टेंट फॉर आर प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनेरियो। तो वैसे ही अदर एक्सपर्ट हमारे बिजनेस में होने चाहिए, जो आज के एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप फाइनेंस के लिए एक अलोकेटेड पर्सन रख रहे हो, तो व्हाई नॉट फॉर अदर फील्ड में आप एक्सपर्ट रख रहे हो जो वो स्पेशलाइज है उस फील्ड में। तो इधर तक समझा नुपुर एंड मधुरा, क्लियर है, इधर तक समझा आप लोगों को, कुछ डाउट आ रहा है इधर तक, ऐसा लग रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं ये पहली बार क्या चीज है, क्या मैम पढ़ा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा ना, ठीक है चलो। नाउ द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी, अभी वो बोल रहे हैं कि ये सेक्रेटरी क्यों आया, क्या चीज को फुलफिल करने के लिए आया। तो द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन सच प्रोफेशन विच केटर्स टू द चेंजिंग डिमांड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये सेक्रेटरी का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था,
जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती गई, जैसे जैसे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग गए, है ना, तब फिर लोगों को ध्यान में आया यार हम अपना मेजर काम छोड़ के इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते, इसी के लिए हमको एक अलोकेटेड पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो हमारे सारे चीजें हैंडल करेगा। इट मे बी सेक्रेटरी, इट मे बी कंपनी सेक्रेटरी, मैं इधर दोनों की बात कर रही हूँ। हालांकि ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक नॉर्मल सेक्रेटरी में, एक कंपनी सेक्रेटरी में, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको क्वालिफिकेशन, वेल डेजिग्नेटेड क्वालिफिकेशन लेना पड़ता है, बट सेक्रेटरी में एस आपकी गुड कम्युनिकेशन ये सारी चीजें भी हुई तो आप सेक्रेटरी बन सकते हो। ओके, नाउ अभी हम पढ़ेंगे कि ये सेक्रेटरी आया क्यों। ठीक है, सो सेक्रेटरी वर्ड में अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको सेक्रेटरी में, अगर आपने सेक्रेटरी वर्ड अगर आप ठीक से पढ़ो तो आपको एक बहुत नोटिसेबल वर्ड दिख रहा होगा। कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको जो बहुत नोटिस में आ रहा है? सीक्रेट, सीक्रेट, यस, सीक्रेट मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब जो किसी को हम बताते नहीं हैं, जो अपने पास ही रखते हैं। तो क्या मैम ये सेक्रेटरी का वर्ड एक सीक्रेट वर्ड से आया है? यस यू आर करेक्ट, जो ये सेक्रेटरी वर्ड आया है ना सीक्रेट वर्ड से ही आया है। मैम ऐसा क्यों? तो मतलब एक आंसर रहेगा, जो ये सेक्रेटरी रहते हैं वही काम करने के लिए तो आते हैं कंपनी में, कंपनी के सारे कॉन्फिडेंशियल डाटा या अदर पर्सन के सारे कॉन्फिडेंशियल डाटा इस पर्सन को पता रहता है। जैसे कि अगर आप पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी के अगर आप सेक्रेटरी को देखते हो तो उनका फोन, उनकी सारी चीजें किसके पास रहती है? सेक्रेटरी के पास रहती है। तो उसके सारे कॉन्फिडेंशियल डाटा सेक्रेटरी को पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा? सब पता रहता है कि नहीं पता रहता है? अभी अगर मैं एक बहुत वेग एग्जाम्पल दूं, बहुत ही वेग एग्जाम्पल दूं, तो अभी जैसे आपको पता रहेगा सुशांत सिंह का डेथ हुआ था, है ना, तो याद है आपको उसकी सेक्रेटरी पे क्वेश्चन आ रहा था कि उसकी सेक्रेटरी कौन है, उसका उसकी सेक्रेटरी क्यों क्यों नहीं पता चला कि इसने ऐसा किया, उसकी सेक्रेटरी के पास जाओ, उसको जरूर पता रहेगा क्योंकि वो तो 24 घंटे इसके सारी चीजें हैंडल करते हैं। ठीक है, तो उसको तो पता ही रहेगा कि वो कौन से दौर से गुजर रहा होगा, क्या चीजें उस पर बीत रही होंगी। तो क्यों क्वेश्चन आ रहा था सेक्रेटरी पे? बिकॉज वही तो लोग, वो ये ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के कॉन्फिडेंशियल डाटा हैंडल करते हैं। करेक्ट और नॉट, बहुत वेग एग्जाम्पल था बट मेरे को वो याद आया अचानक से तो मैंने आपको बता दिया। देखो अभी वो ना बहुत पुराने जमाने से आपको बता रहे कि सेक्रेटरी का ओरिजिन कहां से हुआ, क्या क्या चीज हमको जरूरत पड़ी और कहां कहां चीज, कहां कब कैसे जो सेक्रेटरी है वो इवॉल्व हुआ। जैसे एक इंसान बंदर से इंसान बना है, ह्यूमन बीइंग बना है, तो वैसे ही एक सेक्रेटरी का जॉब कैसे 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 इवॉल्व होके आज सेक्रेटरी का काम फिक्स है। देखो 19th सेंचुरी में एक्चुअली सेक्रेटरी हम किसको बोलते थे? जो पर्सन का डेली कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एक्टिविटी रिलेटिंग टू फाइनेंस हैंडल करता था। मतलब 19th सेंचुरी में सेक्रेटरी ही सारा फाइनेंस हैंडल करते थे और वो कंपनी या पर्सन के कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडल करते थे। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब लेटर वगैरह लिखने का काम, कम्युनिकेशन करने का काम। अगर वो बिजी है, वो पर्सन बिजी है, तो ये सेक्रेटरी जाते थे उनके पास, गवर्नमेंट के पास, उनके साथ कम्युनिकेट करके आते थे, या अदर लोग जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है उनके पास कम्युनिकेट करके आते थे। मतलब 19th सेंचुरी में एक सेक्रेटरी का क्या काम होता था? तो डेली कॉरेस्पॉन्ड करना लोगों के साथ उसके बिहाफ पे जिसने उसको अपॉइंट किया है, और दूसरा उसके पास क्या काम रहता था? फाइनेंस को हैंडल करना। नाउ नेक्स्ट, इन लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड ठीक है, एक लैंग्वेज है, सो लैटिन वर्ड में ये कहां से आया सेक्रेटरी वर्ड? देखो लैटिन वर्ड में सेक्रेटम एंड सेक्रेटस विच मीन्स सीक्रेट, मतलब लैटिन लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि दो वर्ड है सेक्रेटम एंड सेक्रेटस, जिसका मतलब सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब कॉन्फिडेंशियल, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है
बट हम वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आप लोगों के बीच में सीक्रेट्स होते हैं ना, तो वो आप डिस्क्लोज थोड़ी करते हो किसी के साथ। तो सेक्रेटम एंड सेक्रेटस लैटिन वर्ड में हम उसको क्या बोलते हैं, सीक्रेट। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटरिस विच मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर द पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अभी सेक्रेटरी वर्ड कहां से इवॉल्व हुआ, तो लैटिन लैंग्वेज में हम सेक्रेटरी कहां से डिराइव हुआ, सेक्रेटरी। सीक्रेट तो कहां से डिराइव हुआ, ये दोनों वर्ड से। सेक्रेटरी ये कहां से डिराइव हुआ, तो एक सेक्रेटरियस करके वर्ड है लैटिन लैंग्वेज में, वो किसको डोनेट होता है, ऐसे पर्सन को जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम हैंडल करता है किसी पर्सन के लिए। तो ये सेक्रेटरस वर्ड उधर से आया। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा इनिशियली, बट लेटर ऑन थोड़े इंटरेस्टिंग चीजें आने वाले, क्योंकि हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। बचपन से ही आप लोग देखते आए होंगे, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो बहुत बोरिंग लगता है, बहुत ऐसे लगता है कि क्या ये बोर चीजें आ रही हैं। तो टेंशन मत लो, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। ओके, नाउ इन रोमन टाइम सब्सक्राइबे वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। अभी देखो, रोमन टाइम, रोमन मतलब एक और लैंग्वेज आया, एक दौर आया जिसमें सब्सक्राइबे किसको वर्ड अलॉट होता था, एक प्रोफेशनल राइटर को, मतलब जो लिखता था। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब लिखने जाते हो तो आप इतने अच्छे से राइटिंग नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप वो इंसान को बैठा दो कुछ लिखने के लिए, तो वो प्रोफेशनल इंसान बहुत अलग तरीके से लेटर राइटिंग करता है। तो रोमन टाइम में हम सब्सक्राइबे किसको बोलते थे, स्क्राइबे, ठीक है, किसको बोलते थे, एक प्रोफेशनल राइटर को, हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। तो वो राइटिंग का काम करता था और सारे कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करता था। फिर एशियन इंडियन हिस्ट्री में, अब इंडिया की बात आई, अभी तक लैटिन और रोमन की बात चल रही थी, अब इंडियन लोगों की बात आई। अब इंडियन हिस्ट्री में हम उन लोगों को क्या बोलते थे, सेक्रेटरी को, आमत्या सचिव चितनीस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरल वर्क। अब ये सेक्रेटरल वर्क मतलब कौन कौन से काम हैंडल करता है तो हम लेटर ऑन देखेंगे, बट हमारे इंडियन हिस्ट्री में तीन ऐसे नाम है, जैसे आमत्या, चितनीस एंड सचिव, ये तीन लोग क्या काम हैंडल करते थे, सारे सेक्रेटरल वर्क हैंडल करते थे। ये जस्ट एन हिस्ट्री दी हुई है कि पिछले जो हमारा दौर था, जो हमारा पास था, उसमें सेक्रेटरी क्या क्या काम करता था, क्या क्या काम करके आया हुआ है, ताकि हम डिफर कर पाए कि आज उसका काम क्या है और पास्ट में काम कैसे इवॉल्व होके आज ये काम कर रहा है। नाउ अभी उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में बोला है, द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अ सेक्रेटरीज फॉर वेरियस डिपार्टमेंट फंक्शनिंग अंडर अ कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्रीज इन सचिवालया। तो आपने देखा होगा आजकल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मेनली जो गवर्नमेंट है, वो भी सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका काम रहता ही वैसा है, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट और एकदम प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, कुछ इधर का उधर नहीं होना चाहिए। तो ये लोग भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए एक प्रॉपर सेक्रेटरी रखते हैं, ठीक है। और कहाँ पे, एक डिपार्टमेंट है जिसको हमने सचिवालय करके नाम दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्क्रीन। सो ये एक समरी टाइप की दी हुई है, एक बार रीड कर लो, आप लोग नहीं समझा है तो प्लीज पूछना। उन्होंने एक सिर्फ समरी करके दिया हुआ है, लैटिन लैंग्वेज, रोमन एम्पायर एंड इंडियन हिस्ट्री। सो लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरी वर्ड कहां से आया था, सेक्रेटरियस, ठीक है, और वो कौन होता था, एक कॉन्फिडेंशियल राइटर होता था, ऑफिसर रहता था और वो सीक्रेट हैंडल करने का काम करता था। फिर रोमन एम्पायर में स्क्राइबे मतलब है वो कौन होता था, एक प्रोफेशनल राइटर, वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। एंड इंडियन हिस्ट्री में, सो ये मैंने अभी आपको बताया, तीन नाम आते थे ये, और वो क्या काम करता था, सेक्रेटरीज वर्क हैंडल करने में हेल्प करता था। सो इधर तक क्लियर, हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री बताई मैंने अभी तक। नाउ
नाउ अभी हम मीनिंग और डेफिनेशन में जाएंगे. अब हमने एक्चुअली जो पूरा का पूरा ऐसे बोल सकते हो आप बहुत कम इम्पोर्टेंस वाला जो कंटेंट था वो हमने कंप्लीट कर चुका है. इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि ये लैटिन लैंग्वेज में सेक्रेटरी वर्ड कौन से उससे इवॉल्व हुआ, तो आपको लिखना है ये वाला वर्ड, ठीक है. रोमन एम्पायर में कौन सा, फिर इंडियन हिस्ट्री में कौन सा, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट उसको थोड़ा बहुत याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है. नाउ इधर से इस स्क्रीन से जो आगे आने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाले हैं. तो सबसे आज हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी को समझेंगे. सो सेक्रेटरी वर्ड, सिर्फ सेक्रेटरी वर्ड आज के टाइम पे कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो हमको कहां पे जाना पड़ा, हमको जाना पड़ा डिक्शनरी में. तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो सबसे अच्छी डिक्शनरी मानी जाती है आज के टाइम पे, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेक्रेटरी को कैसे डिफाइन किया हुआ है. देखो, अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट, सबसे पहले समझ लो सेक्रेटरी का काम, सबसे पहला काम क्या रहता है, उसको लिखना रहता है, मतलब राइटिंग का काम रहता है फॉर अदर्स, ठीक है, फॉर अदर्स, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस. देन दूसरा काम क्या रहता है, कॉरेस्पॉन्डिंग का काम रहता है, कीप रिकॉर्ड. तीसरा काम क्या रहता है, उसको जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, है ना, आपने जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट पढ़ा है, तो वो एक रिकॉर्ड की तरह रहता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो उसको संभाल के रखने का काम भी सेक्रेटरी का होता था. And transact business, various business for another person, for society, corporation and public body. एकदम ही मस्त तरीके से उन्होंने समझाया कि सेक्रेटरी मतलब कौन. तो उन्होंने बोला है कि ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए लिखता है, जो दूसरों के लिए दूसरों से बातें करता है ना, फिर दूसरा जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड करता है कि उसको हम प्रॉपरली लिख के प्रॉपरली उसको रखने का काम ड्रॉअर वगैरह में, है ना, और जो सारी चीजें जो भी एक इंडिविजुअल ने जो उसे इंप्लॉय की है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मुझे अपॉइंट किया एज अ सेक्रेटरी, तो आपकी जितनी भी सेकेंडरी काम होगा वो मेरा काम है वो हैंडल करना आपके बिहाफ पे. तो उन्होंने लास्ट वाला जो सेंटेंस दिया है ना कि वेरियस अदर बिजनेस फॉर अनदर पर्सन, कि सेक्रेटरी का काम बेसिकली क्या रहता है, जिसने उसे अपॉइंट किया है उसके सारे काम हैंडल करना, चाहे वो लेटर राइटिंग का हो, ईमेल राइटिंग का हो, कॉरेस्पॉन्डिंग का हो, बात करने का हो, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का हो, या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस जिस चीज के लिए आपने उस इंसान को रखा है, वो काम करना एक सेक्रेटरी का काम होता है, और ऐसे इंसान को हम सेक्रेटरी बोलते हैं. सो एक बार रीड करो और नहीं समझ में आया तो पूछो. नुपुर एंड मधुरा. वो भी तो सेम ही हुआ ना शायद सेक्रेटरी और हाँ ओके सेक्रेटरी रहता है तो वो मतलब ऐसा रहता है कि मतलब एक लॉयर का एक सेक्रेटरी होगा या यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली. देखो सेक्रेटरी हम इन होल क्या पढ़ रहे हैं, जैसे एक बिजी पर्सनालिटी ने एक पर्सन को रखा फोन उठाने के लिए, ईमेल लिखने के लिए उसके बिहाफ पे, तो ये सेक्रेटरी का काम हो जाता है. मैनेजर मतलब ये एक बड़ा वर्ड हो गया जो कंपनी में आता है और जो उधरी काम करता है. ये मैनेजर मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ घूमेगा, सेक्रेटरी मतलब ये वो इंसान जो बिजी पर्सनालिटी के साथ, मंत्री लोगों के साथ वो घूमता है, उसके सारे काम करता है, तो उसको मैं सेक्रेटरी बोलूंगी. मैनेजर तो यार वो मतलब उधर रहता है, बिजनेसेस में रहता है. समझा आपको थोड़ा सा डिफरेंस. जैसे कि मैंने आपको सुशांत सिंह का एग्जाम्पल दिया कि वो सेक्रेटरी मतलब जो दिन रात घूमने वाला, दिन रात उनके कॉन्फिडेंशियल डाटा. मैनेजर कभी भी कॉन्फिडेंशियल डाटा मेंटेन नहीं करता, इट इज सेक्रेटरी जो कॉन्फिडेंशियल डाटा मेंटेन करता है. यस ओके ठीक है, वैलिड, एकदम वैलिड डाउट है, कोई भी दिक्कत नहीं है. सेक्रेटरी मतलब एकदम ही पर्सनल काम हैंडल करने वाला. यू कैन, अगर आपको एकदम ही रॉ वर्ड में चाहिए
तो सेक्रेटरी मतलब एकदम ही पर्सनल काम हैंडल करने वाला, जो दिन रात उसके साथ ही रहेगा। किसी को अपॉइंटमेंट लेना है, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर डॉक्टर के साथ एक इंसान जरूर रहता है, क्योंकि बार बार कॉल आते रहते हैं। अब वो ऑपरेशन करते करते वो कॉल तो नहीं उठा सकता, तो डॉक्टर क्या कर लेता है, अपना एक सेक्रेटरी अपॉइंट कर देता है और बोलता है कि देख जितने भी कॉल्स आएंगे वो तेरे को हैंडल करने हैं, को किसको कब अपॉइंटमेंट देना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सेक्रेटरी होगा क्योंकि वो उसके सारे काम हैंडल कर रहा है। अगर कभी कभी हम सेक्रेटरी को एज अ मैनेजर बुला रहे तो ये भी गलत नहीं है। कभी कभी हम मैनेजर बोल देते हैं बट उसका प्रॉपर नाम सेक्रेटरी होना चाहिए। सीए का कभी कभी पर्सनल असिस्टेंट रहता है, तो ये जो पर्सनल असिस्टेंट रहता है वो कौन रहता है, सेक्रेटरी रहता है। हाँ हम उसको पीए करके बुलाते हैं बट उसका एक्चुअल इन एसपी अगर आप उसको डोनेट करोगे वर्ड तो सेक्रेटरी होना चाहिए उसका नाम, ठीक है। हम पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं बट उसका प्रॉपर नेम क्या होना चाहिए, सेक्रेटरी। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अभी आया ये तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने समझाया था, ठीक है। ये जो आपको समझाया वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक रॉ फॉर्म में आपको समझाया। अभी हम एकदम ही जो आपको लॉ बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है, ये कंपनीज एक्ट 2013 एक लॉ है, एक एक्ट है, उधर क्या सेक्रेटरी को क्या चीज बोला हुआ है। तो कंपनीज एक्ट ने ना क्या किया है, खुद डिफाइन करने के बजाय एक दूसरे लॉ को रेफर किया है, कि हमको नहीं पता कंपनी सेक्रेटरी कौन है, ठीक है। आप जाके वो दूसरे लॉ में देखो, वो दूसरे लॉ का नाम क्या है, नाम है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, ठीक है। उन्होंने बोला कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइन इन क्लॉज सी सब सेक्शन आई सेक्शन 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 हु इज अपॉइंटेड बाय कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। तो इसमें ऐसा समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 ने सीधा सीधा बोला हुआ है कि बहुत सारे एक्ट आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, इतने सारे एक्ट आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसमें से एक मेजर एक्ट कौन सा पढ़ने वाले हो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में, इज कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट को भूलना मत, ठीक है। ये एक्ट आपके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी किसको बोला है, तो इस एक्ट ने ना खुद से उस सेक्रेटरियल वर्ड या सेक्रेटरियल कंपनी सेक्रेटरी उसको डिफाइन नहीं किया है, उनको पता ही नहीं है। ऐसा मान लो उनको पता ही नहीं है, इस एक्ट को पता ही नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है। तो इस एक्ट ने बोला है कि हमको पता नहीं, आप जाके देखो, एक एक्ट है सेक्रेटरियल एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, उसमें जाके देखो, आपको इस सेक्शन में उस कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन मिल जाएगा और वो कौन से फंक्शन करेगा, एक कंपनी को संभालने का, ठीक है। कंपनी जो अपॉइंट करती है सारे सेक्रेटरी के फंक्शन करने को, वो डेफिनेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, वो डेफिनेशन आपको सेक्रेटरी एक्ट में मिल जाएगा। समझा, एक बार रीड कर लो, एक बार प्लीज रीड कर लो। ये चीज मेरे लिए दिक्कत होती है बच्चों को समझाना, बिकॉज उनको बहुत बेसिक अभी तक नॉलेज नहीं है। वो बोल रहे कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। तो कंपनी सेक्रेटरी ने हाथ ऊपर, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013 ने हाथ ऊपर कर दिए कि हमको पता नहीं सेक्रेटरी मतलब कौन होती है, तो आप जाके उस एक्ट में देखो, कौन से एक्ट में, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में, उधर आपको इस सेक्शन के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर, ये सेक्शन के अंदर वो इंसान का डेफिनेशन मिल जाएगा और वो इंसान क्या करता है, उसको कौन अपॉइंट करता है, कंपनी अपॉइंट करता है किस चीज के लिए, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यस और नो। जितना डाउट पूछना है ना उतना डाउट पूछो, मुझे मजा आता है डाउट क्लियर करने में। आप डाउट पूछोगे तो मुझे इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ाने में, ठीक है। तो मजा आएगा, इंटरएक्टिव सेशन होगा।
इधर हो गया। नाउ अभी जब कंपनीज एक्ट 2013 ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि उसको नहीं पता, तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमको कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में जाना पड़ेगा कि क्या डिफाइन किया है। तो देखो एकदम ही सिंपल सा डेफिनेशन है कंपनी सेक्रेटरी का, अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी में डिफरेंस होता है, ठीक है। सेक्रेटरी कहां पे डिफाइंड है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइन है, जो जनरल उन्होंने डिफाइन किया है। बट कंपनी सेक्रेटरी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठने वाला इंसान था, याद है ना आपको। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठने वाला इंसान है मतलब कोई तो स्पेशल इंसान है। वो स्पेशल इंसान कौन है, जो वो ICSI का मेंबर है, और ICSI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसका मेंबर बनने के लिए आपको 3 एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आपको पता होगा जैसे CA क्लियर करने के लिए, CA बनने के लिए 3 एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ते हैं, वैसे ही CS बनने के लिए, कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको फाउंडेशन लेवल, फिर उसका इंटरमीडिएट लेवल एंड देन प्रोफेशनल लेवल, ये 3 लेवल आपको क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके आप एक कंपनी सेक्रेटरी कहलाते हो। फॉर एग्जाम्पल सारंग सर ने कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट किया हुआ है, वो क्या कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं? यस, किसी भी कोई भी कंपनी उसे अपॉइंट कर सकती है, बिकॉज दे हैव ही हैज कंप्लीटेड हिज कंपनी सेक्रेटरी एक्ट का डिग्री, और वो कहाँ कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री, और वो कहाँ से हम कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे आप CS के लिए, CA के लिए ICAI के पास रजिस्टर करवाते हो, वैसे ही CS क्लियर करने के लिए आपको ICSI का के अंदर अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है, फिर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है, एंड देन आप फाइनल क्लियर हो जाते हो, तो आप मेंबर बन जाते हो, ICSI का मेंबर बन जाते हो, और उसी के बाद आप किसी भी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी कौन है, तो वो इंसान है जो मेंबर है ICSI का। मेंबर कैसे बना जा सकता है, सिर्फ नाम लिखवा के हम मेंबर बन जाएंगे क्या उस इंस्टीट्यूट के? बिल्कुल भी नहीं। आपको 3 एग्जाम, बहुत ही हाई फाई एग्जाम होते हैं, वो 3 एग्जाम आपको क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर बनते हो, और आप तभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ, आप उनके साथ कुर्सी में मीटिंग में बैठ सकते हो, उनके साथ कंपनी के लिए पॉलिसीज बना सकते हो। तो कंपनी सेक्रेटरी और नॉर्मल सेक्रेटरी को कभी एक जैसा मत समझना, ये सेक्रेटरी होता है वो सुशांत सिंह के सेक्रेटरी जैसा, ठीक है, या मंत्री के सेक्रेटरी जैसा, या डॉक्टर के सेक्रेटरी जैसा, बट ये इंसान हाईली क्वालिफाइड, हाईली उसको नॉलेज रहता है कंपनी के बारे में, और ये एक प्रोफेशनल की तरह ट्रीट किया जाता है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर CA, एक प्रोफेशनल रहता है जो कंपनी के सारे काम हैंडल करता है विद टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक ऑफिसर जैसा कंपनी के साथ कंपनी को हैंडल करता है। तो समझा कि नहीं समझा, ये है कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर कि नहीं? ठीक है, यस। सो आज हम इधर ही एंड करेंगे। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो एक बार फिर से मैं स्क्रीन सिर्फ स्क्रॉल कर देती हूँ, सिर्फ स्क्रीन देख लेना, कल मैं फिर से ये रिवाइज करके आपको पढ़ाने वाली हूँ, डोंट वरी। सिर्फ आज के लिए ये स्क्रीन देखना, और कल मैं हम रिवीजन के साथ पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ना चैप्टर को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल रहता है, फिर आगे कंटिन्यू करना बहुत इजी, क्योंकि आप लोग एकदम ही नए हो, ठीक है। सो एकदम ही मेरे को बेस से लेके जाना पड़ता है, तो कभी कभी मुझे भी दिक्कत आती है कि वो बेस कैसे क्रिएट करूं। तो आई होप आई हैव जस्टिफाइड टू क्लियर योर एवरीथिंग, मतलब एवरी डाउट। अगर कुछ डाउट रहेगा तो हम वो कल क्लियर कर लेंगे। सिर्फ आज जितना मैंने पढ़ाया उतना आप रीड करके आ जाना, उसमें कुछ डाउट रहा तो विल चलो। सो लेक्चर आई होप अच्छा लगा होगा, है ना? Yes. बुरा भी लगा तो भी अच्छा ही बोलो। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।